देख लेते हैं मेंसुरेशन के जो रिमेनिंग 5 चैप्टर बचे हुए हैं उन्हें आज उन्हें देख लेते हैं स्लाइड में। ओके, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या है डायमीटर या गर्थ मेजरमेंट करने वाला पार्ट जो है उसे देख लिया था पहले लेक्चर में। दूसरा आपने क्या देख लिया था हाइट। तो अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा टैपरिंग देखना। क्यों? क्योंकि अपना फाइनल एम क्या है वॉल्यूम कैलकुलेट करना। आपको पता है वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि पूरा पूरा जो इंटायर फॉरेस्ट्री है उसका पर्पज क्या है टिम्बर प्रोड्यूस करना या फिर स्पेसिफिक क्वांटिटी में कोई वॉल्यूम प्रोड्यूस करना जिसका किसी इंडस्ट्रियल पर्पज हो सकता है। तो फाइनली जब आपको वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम को मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए जो बेसिक पिलर चाहिए वो वही है, एक या तो डायमीटर या गर्थ होना चाहिए, दूसरा उसकी हाइट होनी चाहिए और तीसरा उसका रेट ऑफ टैपरिंग होनी चाहिए यानी कि फॉर्म फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर आएगा वो आएगा फॉर्म फैक्टर का। तो फर्स्ट आता है कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है यानी कि स्टेम फॉर्म होता क्या है। तो फॉर्म का मतलब होता है जो उसकी रेट ऑफ टैपरिंग है उसी को हम फॉर्म बोलते हैं। अगर हम एक ट्री को देखें तो आप देखोगे कि उसका जो टॉप होता है वो यूजुअली कॉनिकल शेप का हो जाता है, बीच का जो है वो पैराबोलॉयड होता है और नीचे का होता है वो नलॉयड टाइप का होता है। नलॉयड मीन्स जैसे इंजेक्शन होता है सिरिंज तो उसकी टाइप का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको उससे रेट ज़्यादा दे लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है स्टेम फॉर्म क्या होता है रेट ऑफ टैपरिंग। ओके, अब मुद्दा ये है कि कोई भी स्टेम ऐसा टैपर क्यों होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे गपोड़ियाँ हैं। कुछ कुछ बोले कि भाई देखो ऐसा होता है कि नीचे का जो बेस है सोयल के पास का जो स्टेम होता है उसे न्यूट्रिशन बहुत मिलता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो वो ज़्यादा हट्टा कट्टा बन जाएगा और जैसे जैसे आप टॉप की तरफ बढ़ते हो तो उसे न्यूट्रिशन कम मिलता है। तो इस टाइप से एक थ्योरी आई न्यूट्रिशन थ्योरी, किसने दिया कब दिया कोई लेना देना नहीं हमने। दूसरा बोलता है वाटर कंडक्शन थ्योरी, बोलता है जिस पार्ट में वाटर कंडक्शन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है। क्यों ये न्यूट्रिशन थ्योरी को इसने काउंटर क्यों किया, क्योंकि उसके हिसाब से देखो ऐसे तो न्यूट्रिशन रूट को बहुत मिलना चाहिए, फिर तो रूट तो ज़्यादा हट्टी कट्टी होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसने काउंटर करने के लिए बोल दिया यहाँ वाटर कंडक्शन थ्योरी, बोला जहाँ पर वाटर ज़्यादा कंडक्ट होगा तो वाटर कंडक्ट होता है यानी कि उसे मिनरल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ मिलेंगे तो ज़्यादा हेल्दी होता है। लेकिन बाद में ऐसे भी बोला कि भाई तू निकल ले यहाँ से। इसके बाद थर्ड थ्योरी आई हार्मोनल थ्योरी, ये भी ऐसी बोल के चला गया कि जहाँ पर देखो जो सूट टिप है वहाँ पर जनरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और रूट टिप या जो बकाया के पार्ट है वहाँ पर जो साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन वगैरह हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बोला कि यही जो रूट सूट टिप का जो जॉइंट वाला पार्ट है या जो स्टेम का मेन ट्रंक वाला पार्ट है यही वो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा हार्मोन कंडक्ट होते हैं। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन मिलते हैं इसीलिए ये यहाँ पर हट्टा कट्टा होता है। लेकिन इस पर पहले की जो तीन थ्योरी हैं न्यूट्रिशन वाटर कंडक्शन और हार्मोनल थ्योरी इन तीनों को टिका दिया एक कुन्ने में, क्योंकि ये कोई भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही थी कि एक स्टेम हट्टा या उसमें एक स्टेम बीच में हट्टा टट्टा क्यों होता है या बोल सकते हो कि बेस से टॉप की तरफ उसमें रेट ऑफ टैपरिंग इस टाइप की क्यों होती है। और ये भी जो रेट ऑफ टैपरिंग है वो भी ऐसा नहीं होता कि एक ही स्पीसीज में सभी जगह सेम हो, एक ही ट्री की एक ही स्पीसीज है जो एक हिल के टॉप पे और एक जो वैली रीजन में, दोनों में रेट ऑफ टैपरिंग में वेरिएशन है, स्पीसीज स्पेसिफिक वेरिएशन है। तो इनका कहना था कि देख भाई तुम्हारी अगर हार्मोनल या वाटर कंडक्टिंग होती तो फिर ये इस टाइप का वेरिएशन नहीं आता। तो उस थ्योरी को जो सही से एक्सप्लेन करने वाला था वो आया मेट्जिगर। मेट्जिगर एक जर्मन फॉरेस्टर था, उसने ये थ्योरी दी थी। उसने इसी थ्योरी को बोलते हैं मेट्जिगर थ्योरी या इसी को बोलते हैं मैकेनिकल थ्योरी या इसी को बोलते हैं ग्रेडर थ्योरी। ग्रेडर क्यों, क्योंकि ट्री एक टाइप से गर्डर की तरह काम करता है। इसने बोला कि एक्चुअली होता क्या है, आपका जो स्टेम होता है वो एक टाइप से जब भी कोई विंड वगैरह चलती है तो उससे एक टाइप से रेजिस्टेंस शो करता है। अब आपको पता है कि अगर उनने ये बोल दिया कि मान के चलो एक पोल है, अगर आप एक पोल को एक ब्लोइंग विंड में खड़ा करोगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट होगा, उसके बेस पे। और जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाओगे तो उसका जो विंड से रेजिस्टेंस है वो थोड़ा एक टाइप से कम होता जाएगा क्योंकि वो थोड़ा मूवमेंट आ जाता है उसमें। तो इन्होंने बोला कि जो आपका स्टेम है वो एक टाइप से कैंटिलीवर बीम की तरह काम करता है, तो जैसे जैसे विंड होती है वो उस टाइप से वो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस जो है उसका एक इफेक्ट होता है।
हर जगह एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उसका जो लूजनेस है उसकी वजह से जो टॉप पोर्शन है वो थोड़ा वीक होता है। इस हिसाब से वो नीचे से जाके जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो नीचे का जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, मीन्स ज़्यादा विड्थ में होता है। इसका मतलब है कि स्टेम जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो जो रेट ऑफ टैपरिंग है वो उसकी विंड या इस टाइप की जो फोर्सेस हैं उनसे रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। अब ये थ्योरी इसकी क्यों यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट हुई या यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुई, इसके पीछे एक सबसे अच्छा जो रीज़न है वो है जब आप मोनोक्रॉपिंग करते हो, यानी कि सिंगल एक ही क्रॉप को अपने पूरे एक हेक्टर में एक एक मीटर की उस पर ग्रो कर दिया स्पेसिंग पर, तब आप देखते हो कि वो सीधी सीधी जो ट्री क्रॉप होती है उनमें जो टैपरिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, वो सीधे सीधे स्ट्रेट पोल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन पर विंड इस टाइप के जो फोर्स है, विंड का जो फोर्स है वो लगभग नेग्लिजिबल था, उन्हें एक टाइप से कोई रेजिस्टेंस नहीं करना पड़ा जिससे बेस को ज़्यादा फोर्स पड़े और टॉप वाले पोर्स को थोड़ा कम पड़े। तो सबको बराबर या लगभग है ही नहीं था, निगलीफाई था, इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रेट हुई, उसमें रेट ऑफ टैपरिंग आपको नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर भी वही था, 2012 में आया था, डिस्कस था मैटर थ्योरी ऑफ स्टेम बीम स्टेम फॉर, ठीक है, इसे आप इजली समझ गए होंगे। अब आता है मुद्दा कि चलो ठीक है हमने स्टेम फॉर्म देख लिया, ये होता क्या है, लेकिन अगर हमें स्टेम फॉर्म को स्टडी करना हो तो कैसे करें। तो देखो, स्टडी करने का एक दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तो एक तरीका ये है कि देखो आप एक पेड़ को पकड़ो और उसकी रेट ऑफ टैपरिंग ले लो, दूसरे पेड़ को पकड़ोगे उसकी रेट ऑफ टैपरिंग लोगे, तीसरी को पकड़ोगे उसकी रेट ऑफ टैपरिंग लोगे, और इन सब को एक टेबुलर फॉर्म में रख दो। मतलब ये टीक के 50 पेड़ लिए, उनका जो एवरेज है उसको ले रख दिया, साल के पेड़ों का एवरेज रख दिया, इनका जो एज है और हाइट है उसके हिसाब से इनका जो एवरेज आएगा, जैसे टीक का ही ले लेते हैं तो टीक के एक साल के पेड़ों का क्या रेट ऑफ टैपरिंग है, दो साल के का क्या है, तीन साल के क्या है, चार साल के का क्या है, इस टाइप से एक टीक के जो प्लांट्स हैं उनकी टैपरिंग की एक रेट का हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। तो इस टाइप से आपके पास ये है कि ये टेपर टेबल बना लो और उसके हिसाब से आप उनकी कंपेरिजन कर लो कि भाई ये रेट ऑफ टैपरिंग अलग अलग स्पीसीज में या एक ही स्पीसीज के एज के हिसाब से कितनी हो रही है। दूसरा आपके पास है कि आप उसकी टैपरिंग जो है उसे उसी के डायमीटर, यानी कि जो प्लांट है उसका जो गर्थ और हाइट है उसी डायमीटर और हाइट का एक सिलेंडर लो और उस सिलेंडर से कंपेयर कर लो कि अगर इसी जो DBH या बेसल एरिया, इसी बेसल एरिया का अगर एक सिलेंडर ले लें और उस सिलेंडर की हाइट उतनी कर दें जितना इस प्लांट की ट्री की हाइट है, तो एक्चुअल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसकी कंपेयर में ये ट्री में कितना वॉल्यूम निकल रहा है। सपोज इस ट्री में 70% ही वॉल्यूम दे पा रहा है, मतलब इसमें 30% टैपरिंग हो गई नीचे से ऊपर तक जाते जाते हैं। तो इस टाइप से आप जो निकालोगे उसे हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, मीन्स अगर हम सिलेंडर से कंपेयर करें। दूसरा टम्प ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा फॉर्म हाइट। तो यहाँ पर जो हम कंपेरिजन का देखते हैं इसमें हम सबसे पहले वाला देख ले, कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो। यहाँ पर आपको तीन है, इसमें पहले वाले को देख लेते हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि हम उसको जो अपना ट्री का फॉर्म है उसको हम एक सिलेंडर से कंपेयर कर लेते हैं और इस टाइप से हम हर स्पीसीज या हर प्लांट को या हर एक स्पीसीज की हर एज ग्रुप को उसी के जो डायमीटर और हाइट है उसको उसके उसी डायमीटर और हाइट के सिलेंडर से कंपेयर करेंगे। इस टाइप से तुम्हें हर प्लांट के बारे में एक एवरेज आइडिया हो जाएगा कि इसमें रेट ऑफ टैपरिंग कितनी हो रही है। तो इसको हम जो यूज करते हैं टर्म वो है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। अब फॉर्म फैक्टर में भी थोड़े वेरिएशन मिल जाएंगे तुम्हें, इसके तीन टाइप होते हैं एक्चुअली में। यहाँ पर अगर आप MCQ वाले एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पर इन तीनों के टाइप याद रखें, उनकी डेफिनेशन याद रखें। IFS में आपको इनकी कोई बकैती की ज़रूरत नहीं है, आप पहला याद रख लो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके दो टाइप याद रख लो, बहुत है। दोनों भी नहीं रखोगे तो कोई पहाड़ नहीं छूट पड़ेगा। तो पहला तो फॉर्म फैक्टर क्या है, प्लांट का एक डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट ले लिया और उसकी हाइट ले लिए, तो ये जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा किसका, सिलेंडर का। यानी कि आप ऐसे बोलो कि डायमीटर और हाइट नापने के बाद ऊपर तो रख लोगे आप प्लांट का वॉल्यूम और नीचे डिवाइड कर दोगे उसी डायमीटर और हाइट के सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो जो निकलेगा वो आएगा आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मतलब आप समझ गए कि अगर फॉर्म फैक्टर 70% आया मतलब रेट ऑफ टैपरिंग 30% है।
ठीक है। अब इसके टाइप हो जाएंगे, एक होता है ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर, दूसरा होता है एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर। अब ये मुद्दा क्या है, जब फॉर्म फैक्टर वाला जब कॉन्सेप्ट आया तो कुछ लोगों ने बोला कि देखो हम ठीक है, तुम आपने प्लांट की हाइट निकाल ली। दूसरा मुद्दा था डायमीटर का। अब इशू ये था कि हम प्लांट की कितनी हाइट माने जिस सिलेंडर से कंपेयर करेंगे उसके लिए। तो कुछ ने बोला कि देख भाई हम प्लांट की पूरी हाइट ले ही रहे हैं, दूसरा जो ब्रेस्ट हाइट पे डायमीटर वाला जो मेजरमेंट है वो हमारे पास पहले से ही है, तो खाली पीली की बकैती नहीं करने का, ये जो पहले से डाटा पड़ा उसी को यूज कर लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए उसको एक टर्म दे दिया गया ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर, यानी कि आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ब्रेस्ट हाइट का जो डाटा होता है वो होता है और प्लांट ट्री की हाइट का पता होता है, यानी कि DBH पता होता है और प्लांट हाइट पता होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि देखो भाई क्या है कि नीचे का एक तो स्टंप वाला हम प्लांट को छोड़ देते हैं, मतलब जो स्टंप है 10-15 सेंटीमीटर का उसे हम यूजुअली कट के वो पेड़ में ज़मीन में ही छूट जाता है। दूसरा क्या होता है, नीचे बटरेसिंग वगैरह होती है, तो ये ब्रेस्ट हाइट भी जो मेजर करते हैं डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट वो भी हमेशा यूनिवर्सल नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कि जो DBH मेजर करेंगे हम, वो हम किसी भी जो भी हाइट पर मेजर करेंगे, हम जो सिलेंडर के लिए लेंगे वो हाइट उसी के ऊपर का पार्ट लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम जो सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करेंगे या सिलेंडर का जो वॉल्यूम लेंगे वो उसी जो DBH है उसी के ऊपर वाला पार्ट लेंगे और ऊपर वाले पार्ट की हाइट लेंगे, नीचे के को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम ये मान लेंगे कि नीचे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो DBH लेते हैं वो मीन्स जो डायमीटर या गर्थ लेते हैं वो एट ब्रेस्ट हाइट नहीं होता, वो किसी भी कन्वेंशनल हाइट पे होता है। तो इसलिए क्योंकि ये किसी पे भी होता है और ये इसलिए हम बोलते हैं इसे एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मुद्दा निकल सा आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी में जैसे मैंने आपको बोला, एक होगा ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर, दूसरा होगा एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर, और तीसरा होता है प्रेसलर नॉर्मल या ट्रू फॉर्म फैक्टर। इनका कहना है कि हम पूरे पूरे ट्री को कंसीडर करेंगे और किसी भी कन्वेंशनल हाइट पे हम उसका DBH ले लेंगे। मैंने आपसे बोला कि इन तीनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप MCQ एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो। MCQ वालों को तीनों याद रखने होता है, अदरवाइज आप फॉर्म फैक्टर क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट उससे आगे बढ़ जाओ। ओके, वैसे ये फॉर्म फैक्टर जो फॉर्म हाइट क्या होता है, फॉर्म कोएफिशिएंट क्या होता है, MCQ वालों को देखना है। ओके, अब दूसरा हम यही तो अपना पहला वाला हो गया कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर या फॉर्म रेशियो, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म रेशियो, पर्पज वही है कि अपना जो फॉर्म रेशियो आएगा, ये फॉर्म फैक्टर से अपने जो निकालते हैं ना, जो वहाँ पर जो रेशियो आ रहा है जैसे मैंने बोला 70%, 30%, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, एक टेबल बना लेते हैं और ये देखते हैं कि ये स्पीसीज में यहाँ पर 70% आ रहा है, वहाँ पर 40% आ रहा है, यहाँ पर 30% आ रहा है। इसका पर्पज क्या है कि मान के चलो आपके यहाँ आपके लोकल एरिया में टीक में ये जो फॉर्म रेशियो है वो 70% है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पेड़ का हाइट और डायमीटर मेजर कर लिया तो उससे आपको एक एवरेज ये मालूम पड़ गया कि ये डायमीटर ये हाइट है तो इसका वॉल्यूम होना चाहिए इतना, मीन सपोज वॉल्यूम होना चाहिए 40 मीटर। क्यों, अब आपको पता है कि यहाँ पर 70% ही है फॉर्म में ये रेशियो, इसका मतलब है 40% जो निकला आपका यूनिट में उसका 70% मतलब सचो को 28, तो ये निकलेगा 40 मीटर क्यों ना होकर के आपकी वुड हुई 28 मीटर क्यों। ओके, लास्ट होता है कंपाइलेशन ऑफ टेपर टेबल। मैंने आपसे अभी बोला कि आप करते क्या, पहले एक स्पीसीज पकड़ते हो और उसकी एज के हिसाब से उसमें हाइट कितनी है और डायमीटर कितनी है, और एक एक पेड़ पकड़ा और उसकी देख लेते हैं कि टैपरिंग कितनी है। तो पहले आपने 10 पेड़ों को पकड़ा 1 साल की एज का, उनकी हाइट और डायमीटर ली और उनकी टैपरिंग रेट मेजर कर ली, फिर 2 साल की, फिर 3 साल की, फिर 4 साल की, ऐसे करके आपने एक स्पीसीज का डिफरेंट एज लेवल पे उसकी रेट ऑफ टैपरिंग बनाई और उन्हें एक टेबुलर फॉर्म में रख दिया। तो वो जो आपने बनाया वो होते हैं टैपर टेबल। अब मुद्दा ये होता है कि क्योंकि टैपरिंग टेबल को जो बनाने के लिए है वो ऐसा तो है नहीं कि आपने 4 पेड़ लिए और कम कर दिया, क्योंकि जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा प्लांट पर बेस्ड होता है, मीन्स लगभग 1,500 या 2,000 प्लांट की ऑब्जर्वेशन पर,
तो इनमें टाइम लगता है और इनके लिए कोई ना कोई फार्मूला टाइप का हम थ्योरेटिकल मेथड यूज कर लेते हैं जिससे थोड़ा वर्कलोड आसान हो जाए। तो इसी के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसमें दो लोग बहुत फेमस हैं, एक है होजर और दूसरा है बहरे। ठीक है, ये है होजर और बहरे फार्मूला। देखो एमसीक्यू वालों ने क्वेश्चन पूछा था लेकिन आईएफएस वालों से मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप के बकेती वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे। इन्होंने पूछा था डिफरेंस बिटवीन होजर फार्मूला एंड बहरे फार्मूला फॉर ट्री फॉर्म। दूसरा आप इसे एक बात और याद रख सकते हो कि जो 2012 के बाद जब सिलेबस में चेंजिबिलिटी आई तो 2012 के बाद 13 और 14 तक जो टिपिकल फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन थे वो आते रहे, लेकिन उसके बाद इस टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चन है वो आना लगभग बंद से हो गए। इसका मतलब रीजन है उसके कि जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो कोई आंसर दे नहीं पाता था तो फिर मार्किंग कम आ जाती थी, तो नहीं इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन देना कम करती है। तो मैं ये बोलूँगा कि बेहतर है इन चीज़ों को छोड़ो क्योंकि आपको वैसे भी ना 8 क्वेश्चन करने हैं और 8 में से 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो इन्हें इजीली अलग करना आसान चला जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज ट्री स्टेम फॉर्म, हाउ इज ट्री स्टेम फॉर्म कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर इट्स यूजेज इन फॉरेस्ट्री। तो पहला स्टेम फॉर्म क्या है आपको पता है, कैलकुलेशन क्या कैसी की जाती है अभी आपको बोला, फॉर्म फैक्टर से हम कर लेते हैं। अब मुद्दा है इसका फॉरेस्ट्री में यूजेज क्या है। तो पहले देखो कोई भी साइट क्वालिटी है वो डिनोट करती है, सीधा रिप्रेजेंटेशन उसका आता है फॉर्म फैक्टर पर। अगर साइट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसका मतलब है वहाँ पर रेट ऑफ टैपरिंग थोड़ी स्लो होगी, यानी कि प्लांट हाइट में अच्छा ग्रो करेगा तो रेट ऑफ टैपरिंग थोड़ी कम होगी। अगर साइट क्वालिटी घटिया है तो रेट ऑफ टैपरिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। दूसरा देख लो, रेट ऑफ टैपरिंग आपको हेल्प करती है किसी स्टेम का एक्चुअल वॉल्यूम निकालने में। तीसरा पर्पज हो गया है कि आपको अगर वॉल्यूम मालूम होगा तो आप टैक्सेशन वगैरह सिस्टम में उसे यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये अपने समझ में आ गया कि फॉर्म फैक्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमें वैल्यूम एस्टिमेशन में हो गया। तो वॉल्यूम से लिंक के जितने भी पॉइंट आ गए वो सब यहाँ आ गए। जैसे मैंने कोई सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन किया उसका क्या रिजल्ट हुआ यानी कि टिम्बर प्रोडक्शन में, तो वो यहाँ फॉर्म फैक्टर से लिंक हो गया। यानी कि मोनोक्रॉप्स और मिक्स क्रॉपिंग के बीच का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये वहाँ पर भी लिंक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो अपना मेन पिलर था वो है वॉल्यूम मेजरमेंट करना। अब आपको पता है अपना मेन एम तो वॉल्यूम ही था स्टार्टिंग से, क्योंकि इवन जब भी अपन टिम्बर भी लेते हैं तो वो घन फिट में आता है कि ये टिम्बर है कितने मीटर क्यूब या कितने घन फिट है। तो टिम्बर के दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कि आप वॉल्यूम मेजरमेंट करते कैसे हो और दूसरा का वॉल्यूम टेबल प्रिपरेशन। देखो होता क्या है, क्या आप हर टिम्बर का बार बार ट्री का वॉल्यूम मेजर करते रहोगे? यही काम किया ना तो पूरी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी वॉल्यूम मेजरमेंट में। तो फिर करते क्या है एक्चुअली, एक टेबलर मतलब बहुत सारे प्लांट को लेकर के एक एवरेज एक टेबल बना लेते हैं, मतलब बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके उसका एक मेटा डाटा का एनालाइज करके एक छोटी सी एक टेबल बनाई जाती है जो इन सब के ऊपर पे बेसिक एक एवरेज होता है, जो क्या बताता है कि अगर किसी स्टेम का डायमीटर ये है और हाइट इतनी है तो उसका एवरेज जब वॉल्यूम होगा वो ये होगा। ठीक है, तो उससे हमें बहुत आसान चला जाता है कि अच्छा ये वॉल्यूम निकल आएगा ख़त्म कर, तो किसी को बार बार हर एक्चुअल उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर टेक्निकल पर्पज में आप जाओगे, मतलब ये वॉल्यूम टेबल के लिए जब डाटा कलेक्ट करते हो यानी कि आपको एक्चुअल डाटा मेजर करना होता है, और जो एक्चुअल डाटा मेजर करना होता है तो वो यहीं आ गया अपना फर्स्ट वाला पार्ट है, वॉल्यूम मेजरमेंट कैसे करोगे। तो वॉल्यूम मेजरमेंट के दो इशू हैं। अब इशू वही है कि आपका पेड़ खड़ा है या गिरा दिया आपने। अगर अभी भी खड़ा हुआ है तो उसके तो भाई सीधी सी बात है वो अपने पुरानी चीज़ आ जाती है कि एक तो देख लो आँखों से भाई क्या है, ठीक है इतना वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, फिर दूसरे उसके दो मेथड और आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इन सब चीज़ों को बाद में थोड़ा देखेंगे, पहले देखते हैं फील्ड ट्री का। अगर पेड़ को आपने काट दिया यानी कि फील्ड हो रखा है, अब उसका वॉल्यूम मेजरमेंट करना, तो वॉल्यूम मेजरमेंट के ये 5-6 तरीके हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला तो आता है अपना हबर फार्मूला। इसने क्या बोला कि जैसे कोई अगर लॉग आपका पड़ा है तो उसका हबर का मतलब क्या होता है, हब का मतलब हब, हब मींस किसी का हब सेंटर। तो जो लॉग पड़ा है उसका बोला कि एक काम करो अपना वो कैलिपर लेके जाओ और उसके सेंटर पे रखो और इसका डायमीटर निकाल लो।
इसका डायमीटर के साथ अगर इसकी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें उसका वॉल्यूम निकल आता है। तो इस टाइप से ये हबर फार्मूला आ गया। इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यस। लेकिन हाँ, इसके साथ इशू है, ये तब सूटेबल है जब आपके जो स्टेम है वो अकेले अकेले इधर उधर बिखरे पड़े हों। अगर उन्हें स्टॉक कर दिया तो ये, क्योंकि स्टॉक में आप बीच में जो दब रखें उनका बीच का तो निकाल नहीं सकते, यानी कि जो SM है उससे तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो बस यही इशू आ जाता है। इसलिए सिंगल जो स्कैटर्ड स्टेम पड़े हैं उन पर तो एप्लीकेबल है, बट स्टॉक वालों में नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है स्मेलियन स्मेल। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन तो क्वेश्चन भी आ रखे हैं और बहुत सिंपल है। हबर मतलब हब सेंटर। दूसरा होता है स्मेलियन। ये बोलता है कि देख भाई, हम एक तो इसके स्मॉल वाला जो एंड है और दूसरा जो लार्ज वाला एंड है, इनके दोनों एंडों का जो होगा वो एवरेज निकाल लेंगे और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपके सिंगल पड़े हैं तो उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और स्टॉक जो होंगे स्टॉक के केस में भी आपको उनके दोनों एंड तो मिलते ही हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। थर्ड निकलता है न्यूटन। ये जो न्यूटन होता है ना, ये ज़्यादा कार्य करता है। तो इसने बोल दिया कि एक काम करेंगे हम, इसके स्मॉल एंड का भी लेंगे और जो लार्ज एंड है वो भी, मतलब इसके दोनों एंड का ले लेंगे प्लस इसके बीच का भी लेंगे। तो इसमें S1 प्लस S2 प्लस 4 SM, 4 होगा SM, तो अब टोटल यूनिट कितनी हो गई, 6 ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू इसकी L। तो इसलिए ये जो प्रिज्मोइडल टाइप के जो होते हैं, जैसे कि जो ट्री का बेस बोला, ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि हमेशा 3 डाटा लेना होता है इसे, और फिर कैलकुलेशन भी 6 हो गए, फिर 6 से डिवाइड करो, तो एक टाइप से हेडक हो जाता है इसका कैलकुलेशन करना। अब ये बोलते हैं ना, कुछ जैसे जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, हम स्मॉल एंड का ले लेंगे। अब इस पर बार्क भी तो होती है, तो स्मॉल एंड की अगर हम ओवर बार्क में भी ले लेंगे तो वो लार्ज एंड का उधर अंडर बार्क में काम हो जाएगा। तो इस टाइप से काम करते हैं कि हम स्मॉल एंड का ले करके उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोड़ो ना यार, थोड़ा बहुत 19-20 है। तो इस टाइप से बोला SM लेकर के हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको 4 फार्मूला मिले, हबर फार्मूला, स्मेलियन, हबर मतलब हब सेंटर, स्मेलियन मतलब उसकी S1 S2, न्यूटन होगी 6, और स्मॉल एंड फार्मूला। अब इसके साथ साथ यहाँ 2 फार्मूला और आते हैं, उनमें से मतलब 2 फार्मूला हम एक्चुअली दोनों के, एक को तो देख चुके हैं, यहाँ क्वार्टर गर्थ बचा है एक पांचवा। एक क्वार्टर गर्थ है क्या? देखो, पहले आपके पास एक स्टेम है जिसका डायमीटर और हाइट तो आपको पता है, यानी कि गर्थ पता है उसकी और लेंथ पता है। आप उसे काटोगे तो कुछ कन्वर्जन में डिफेक्ट चला जाएगा। इसके बाद जब वो मार्केट में, मतलब उसको जब सॉविंग करोगे, सॉमिल में जाएगा, तब वहाँ पर इधर उधर लकड़ी बर्बाद होगी। तो कुल मिलाकर के जो वॉल्यूम निकलना चाहिए था, कुछ तो टैपरिंग में चला गया, कुछ ही इधर उधर बर्बाद हो गया। तो आपको एक्चुअल में जो वॉल्यूम आप मेजर करते 100% एक्यूरेसी के साथ, तो उसका जो टोटल निकलता वो यहाँ पर वैसे भी 70-80% तक मिल पाता है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, कुछ तुम्हारा टैपरिंग में जा रहा है, कुछ बर्बाद जा रहा है, अगर एक काम करें कि हम गर्थ जो है अपना उसको 4 से डिवाइड कर दें और उसे स्क्वायर कर दें, मतलब जी डिवाइडेड बाय 4 और उसका होल स्क्वायर इनटू लेंथ। तो क्योंकि गर्थ का क्वार्टर कर रहे हो, गर्थ का 1/4 कर रहे हो, तो इस टाइप से आपने जब इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो निकलेगा 78%, यानी कि आपको एक्चुअल जो वॉल्यूम निकलना चाहिए था आपका, या टोटल वॉल्यूम जो मेजर करते आप तब निकलता, उसके कंपेयर में ये 21% कम बताता है, यानी कि 21% लॉस में जा रहा है। अब क्योंकि ये लॉस को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वही मुद्दा है, एक कुछ टैपरिंग में जाएगा, कुछ इधर उधर बर्बाद होगा। तो ने बोला कि एक्चुअल तो हमें वही मिलेगा ना जो 100 के बाद मिलेगा, और वो ये दे रहा है, मतलब ये ठीक है। इसी को इंडिया में और ब्रिटेन में तो ठीक है, लेकिन वेस्टर्न में, खासकर ब्रिटेन में, इसे हॉपिस रूल बोलते हैं और ये फेमस भी है। ठीक है, पर्पज वही है कि हमें एक्चुअली चाहिए तो वो 100 टिम्बर है ना, वही तो मार्केटेबल है, उसी की वैल्यू मिलती है। तो ये हमें वो सीधा के सीधा मार्केटेबल वो दे रहा है कि जो निकलेगा। तो ये कॉमर्शियल में इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो भी कॉमर्शियल, ये जो प्राइवेट वाले होते हैं, ये सीधा वहाँ पर जो जाते हैं और उससे ये एस्टिमेट कर देते हैं कि अगर इस पेड़ को काटा हमने तो इससे इतना घन फिट हमें लकड़ी मिलेगी, और ये घन फिट लकड़ी का मार्केट प्राइस इतना है। इससे मतलब उन्हें पेड़ की
कैलकुलेशन करना बहुत आसान है चला जाता है। और इसमें ज़्यादा कुछ हिड़क भी नहीं है स्मेलिन टाइप का कि इसका ये एंड लो वो एंड लो फलाना ढमका लो, ऐसा कुछ लगता नहीं है। इसके बाद न्यूटन फार्मूला अपन पहले कर चुके थे, बस यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब वेरियस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ लॉक्स, डिस्क्राइबिंग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वॉल्यूम एस्टिमेशन ऑफ ट्री। हाँ अब इन्हें आगे चलते हैं। तो ये जो अभी अपन ने पढ़े ये थे फील्ड ट्री के। अब अगर आपका ट्री जो है वो स्टैंडिंग है उस केस में क्या करोगे? हाँ उसमें मैंने बोला था कि चार तो वो हो गए थे, एक क्वार्टर कट हो गया, पांचवा और है, ये है जैलोमेट्रिक मेथड या और दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ये कहाँ यूज करते हैं? देखो स्टार्टिंग के जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्हें तो हम कॉमर्शियली यूज करते हैं क्वार्टर कट यूजुअली, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी छोटी छोटी लकड़ी नहीं निकलती है जो फ्यूल वुड वाली है, इसको कहाँ क्वार्टर कट वगैरह निकालते रहोगे, तो इसको कैसे मेजर करें? तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत सिंपल सा तरीका निकाला, बोला कि एक काम करो 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर का एक गड्ढा बनाते हो, मतलब एक चैम्बर सा होता है, ये लकड़ी को उसमें फिल कर देते हो और उसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब जो हमें पता है कि उसमें टोटल कितने लीटर आएगा, 10 बाई 10 बाई 10 मीटर का था, मतलब सपोज उसमें था 1000 लीटर। अब 1000 लीटर पानी उसमें आना चाहिए था। आपने लकड़ी डालने के बाद जब पानी भरा तो वो उसमें पानी जो भरा गया वो भरा गया सपोज 400 लीटर, तो 1000 लीटर भरता था, 400 लीटर भरा, मतलब इसका वॉल्यूम कितना आ गया इसका, 600 लीटर। तो एक तो मुद्दा ये है, दूसरा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ये क्या है कि एक बार आपने उसका वॉल्यूम का एक उसके वेट के साथ लिंक निकाल लिया तो आपका काम हो गया। मान के चलो एक ट्री है आपके पास, सपोज पॉपुलर ले लो, और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 500, मतलब एक जो जो अपना वाटर जो 1 लीटर या 1 kg जो वाटर का वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम का अगर पॉपुलर कीबोर्ड हो तो उसका जो वेट होता है वो 0.5 किलो होता है, कंपेयर टू पानी का वेट होगा उतनी सेम का 1 किलो, यानी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से हाफ है। तो इसका मतलब क्या है, हम कोई भी लकड़ी उठा लेंगे, पॉपुलर ले लेंगे और उसे सीधा तोल लेंगे, अगर उसका वेट 500 निकल आया या जो भी वेट निकला, हम उससे उसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपना फील्ड ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब देख लेते हैं स्टैंडिंग ट्री का। तो स्टैंडिंग ट्री को मैं पहले अपन देख चुके हैं कि एक तो है ऑक्युलर एस्टिमेशन, जस्ट सामने वाला देख करके पेड़ समझ जाता है कि एवरेज वॉल्यूम क्या होगा, जिन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है उस फील्ड में वो काफ़ी इजीली हो जाता है। दूसरा होता है पार्शियल ऑक्युलर और पार्शियली मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं उनने कही कि यार ठीक है एक काम कर, इसका थोड़ा डायमीटर का एक एवरेज आइडिया दे दे, तो फिर वो समझ जाते हैं कि अच्छा इस डायमीटर का एवरेज पेड़ की ये वॉल्यूम निकल आएगा। इसके साथ साथ दो मेथड और हैं, एक है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इन दोनों को देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट है क्या। देखो इनडायरेक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो जो वॉल्यूम टेबल है वहाँ से हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। आपने बोला इस प्लांट का डायमीटर ये है और हाइट ये है, आप वॉल्यूम टेबल उठाओगे और उस डायमीटर और हाइट वाले ब्लॉक पर ढूंढ करके निकालोगे कि इसका वॉल्यूम फिर ये होगा, या फिर वॉल्यूम इक्वेशन, वो इस टाइप की इक्वेशन होता है कि वॉल्यूम बराबर ए प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर, इस टाइप के जैसे हॉबर फार्मूला या बहरे फार्मूला है, इसी टाइप के एक लंबा सा रिग्रेशन इक्वेशन टाइप के फार्मूला बनते हैं, तो हम उस टाइप के में ये फार्मूले में पुट करेंगे और निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो यहाँ पर जनरली अपन को 3 मेथड आते हैं। इसमें एक होता है स्टैंडर्ड सेक्शन मेथड। ये क्या करता है, बोला हम एक पेड़ लेंगे, उसके पूरे का पेड़ को काट देंगे और उसके छोटे छोटे सेक्शन बनाएंगे और हर सेक्शन का जो डायमीटर है उसके मिड में वो लेंगे और उसकी लेंथ लेंगे। लेंथ और डायमीटर लोगे तो क्या होगा, उसका मेजर हो गया, मीन्स आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। कि पेड़ को एक्चुअली कट नहीं करते हैं, वो लगा हुआ पेड़ है, लेकिन हम एक ही पेड़ पे पूरे 2 दिन लगे रहते हैं, वो मार्किंग करती है उससे पेंटिंग से कि भाई ये लॉग डिवाइडेड कर दिया हमने, मीन्स उसे एक पेड़ खड़ा है, देखो सॉरी काटा नहीं हमने, पेड़ खड़ा है, बट उसी में हम मार्किंग कर दी जाती है 3-3 मीटर पर या 2-2 मीटर पर, जैसे भी आपको सुपर सुटेबल लगा उस पर मार्किंग करना, और हर सेक्शन का फिर अपन निकाल लेते हैं वॉल्यूम और फिर एक फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं सबको समअप करके। तो इस टाइप से हमने एक प्लांट को स्टैंडर्ड एक
सेक्शन में डिवाइडेड करके उन्हें काउंट कर लिया। एक दूसरा मेथड है जिसे बोलते हैं गियर्स टेपर लाइन मेथड, या इसे सिंपल में बोल देते हैं टेपर लाइन मेथड, यानी कि टेपर लाइन मतलब टेपरिंग लाइन। ये मेथड क्या बोलता है, बोला देखो तुम पहले वाले में क्या कर रहे थे कि LLL जो भी आपकी सुटेबल लेंथ थी 2 मीटर 3 मीटर ऐसे कुछ भी करते रहते थे। आप क्या करते थे, पहले वाले लॉक की मार्किंग कर देते थे कि ये अपना लॉक हो गया सपोज, और फिर उसका डायमीटर ये फलाना ढंका यार क्या बकैती है। एक काम करते हैं अपन, सपोज प्लांट की हाइट है 10 मीटर, यानी कि अपने मान लिया H, तो अपन H1 H2 H3 मान के चलो 4 पार्ट या 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया और सीधे सीधे ऐसे पॉइंट फिक्स किया और उसी पॉइंट पर अपन ने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, डायमीटर या गर्थ। फिर उस डायमीटर या गर्थ को जो आपने निकाल लिया उसके हिसाब से उसका पार्ट का लगभग वॉल्यूम निकाल, या बोले कि एक ग्राफ चार्ट बनाया, जैसे आपका ये है, ये एक्चुअली ग्राफिकल मेथड का है लेकिन इन दोनों में लगभग एक सही ग्राफ बनता है नीचे वाला। तो इस टाइप से एक ग्राफ बना देते हैं और उसके अंदर जो एरिया कवर होता है वो समझ में आ जाता है कि अपना इतना एरिया है या इतना वॉल्यूम है इसका। तीसरा है अपना ये ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, यही है आपका जो डायमीटर है उसको ये फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना ग्राफ से काम चलाएंगे। तो अपने जो है फिल ट्री का हो गया, स्टैंडिंग ट्री का हो गया, अब वॉल्यूम वाला पार्ट है जो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना पार्ट बचेगा वॉल्यूम टेबल का। तो मैंने आपसे बोला कि वॉल्यूम टेबल होता क्या है, कि आपको ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हर ट्री का वॉल्यूम लें, यही करते रहे तो पूरा दिन इसी में जाएगा। तो लोग कैसा करते हैं कि एक भाई एक काम करो, एक ऐसी टेबल फॉर्म प्रिपेयर कर लो, जैसे आपकी लॉग टेबल नहीं होती मैथ में, एक ऐसी टेबल प्रिपेयर कर लो जिसमें हम हाई मीटर और डायमीटर का, हाइट और डायमीटर का अगर डाटा पुट कर दें तो हमें एवरेज पता पड़ जाए कि इस प्लांट के लिए या इस स्पीसीज के लिए वॉल्यूम ये निकलेगा। थोड़ा बहुत 19-20 कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एवरेज वॉल्यूम पता पड़ जाता है। तो वो जो टेबुलर फॉर्म है उसी बोलते हैं वॉल्यूम टेबल। क्यों, क्योंकि जो डाटा देता है वो देता है वॉल्यूम का। अब यहाँ मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये वॉल्यूम टेबल किस किस पर बेस्ड हो सकती है। तो एक होती है जो सिंगल वेरिएबल पर बेस्ड हो, मतलब तुमने पूरी की पूरी वॉल्यूम टेबल इस बेस पर बनाई, किस पर, केवल DBH पे। कि आप ऐसा कैसे बनाया, आपने 10 पेड़ काटे, हर पेड़ का केवल DBH लिया था और उसका वॉल्यूम निकाल लिया, मतलब आपने केवल DBH और उसके ट्री के वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बनाया, केवल आपने उसका हाइट को कंसीडर नहीं किया। तो इस टेबल से किस टाइप का डाटा मिलेगा, आप DBH पुट करोगे और आपको पता पड़ जाएगा कि प्लांट का वॉल्यूम कितना है। तो अब खुद सोचो कि केवल DBH दिया और आपको वॉल्यूम बता रहा है, तो इस टाइप का जो टेबल है उसमें एक्यूरेसी कम होगी लेकिन इजीनेस बहुत जाएगी बनाने में भी और डाटा देखने में भी। दूसरी टेबल है जिसमें आप DBH और हाइट दोनों पुट करोगे, इस टाइप से ये टेबल दो बेस पे बेस्ड होगी और डाटा का पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ठीक आएगा। तो ये जो हमारी जनरल वॉल्यूम टेबल होती है वो जनरली इस पर बेस्ड होती है। तीसरी जो टेबल होगी वो टैपरिंग को भी मेजर करेगी। तो इसका मतलब है इसमें 3 डाटा पुट होंगे, तो जब भी आप किसी स्टेम का वॉल्यूम देखोगे तो उसकी हाइट भी देखोगे, डायमीटर भी देखोगे और टैपरिंग भी देखोगे। तो इस टाइप से ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट होगी, सबसे सही डाटा देगी। लेकिन आप खुद सोचो आपको हर प्लांट का टैपरिंग भी चाहिए। तो इस टाइप की डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम वॉल्यूम टेबल बना के इसलिए रहे हैं जिससे हमारा वर्क आसान हो। ये टैपरिंग हर पेड़ की निकालोगे मतलब फिर तुमने उड़ते तीर लिए, मतलब ये इस टाइप के काम नहीं करते हैं कि 3-3 बेस पे हो। तो हम जनरली DBH और हाइट वाले मतलब 1 बेस या 2 बेस भी बनाते हैं। तो वॉल्यूम टेबल का क्लासिफिकेशन होगा इसी बेस पर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। तो वही बोला कि क्लासिफिकेशन को आप कैसे क्लासीफाई करो, मीन्स वॉल्यूम टेबल को कैसे क्लासीफाई करोगे। तो एक होता है कि ये देख लें कि वॉल्यूम टेबल कितने नंबर के वेरिएबल पे बेस्ड है, एक वेरिएबल पे है, 2 पे है या 3 पे है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इस वॉल्यूम टेबल का यूज कहाँ कहाँ है, यानी कि स्कोप कहाँ है। या तीसरा ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम टेबल से हमें किस किस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि एक रिजल्ट बेस्ड, ये किस टाइप का रिजल्ट दे रही है, इसका कंपोजिशन क्या बेस्ड है या इसका यूज कहाँ कहाँ। तो पहले हम देख लेते हैं नंबर पे बेस पे।
तो एक होती है, अगर हम केवल डीबीएच पे है तो हम उसे बोलते हैं सिंगल वॉली सिंगल वेरिएबल पे बेस्ड है, यानी कि डीबीएच पे अकेली बेस्ड है। तो इस टाइप की जो हमारी जो लोकल वॉल्यूम टेबल है वो जनरली सिंगल पे होती है। लोकल का मतलब आपके एक छोटे से एक बीट है, एक कंपार्टमेंट है फॉरेस्ट का, उसकी वॉल्यूम टेबल है। अब वही पर्पज वही कि कंपार्टमेंट है, यानी कि इसकी लगभग सॉयल है या क्लाइमेटिक जो फैक्टर है आपके चार वो एक से होंगे, मतलब लगभग एक सिमिलर टैपरिंग रेट होगी। तो सबका जो एवरेज अगर डायमीटर हाइट आपने पुट किया तो उनका एक एवरेज जो वॉल्यूम आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो यूजुअली जो लोकल वॉल्यूम टेबल होती है वो होती है सिंगल वेरिएबल पर। दूसरा वो वॉल्यूम टेबल जो दो वेरिएबल पे है, यानी कि हाइट और डीबीएच, तो इन्हें हम बोलते हैं जनरल वॉल्यूम टेबल। जनरल क्यों? क्योंकि इंडिया में यही बनाई जाती है, और ये लगभग जैसे अगर आप टिक की कभी आप वॉल्यूम टेबल मिल जाए आपको तो जनरल होती है, और वो वही सेम टेबल महाराष्ट्र वाले भी यूज कर रहे होंगे, वही एमपी वाले भी यूज कर रहे होंगे, मतलब ये काफ़ी जनरल है। थ्री वेरिएबल पे डीबीएच हाइट और फॉर्म फैक्टर पे ये बहुत एक्यूरेट होती है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो इंडियंस तो बनाते ही नहीं ऐसे। ठीक है, वेरिएबल वाला मुद्दा ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसका स्कोप कहाँ है। तो एक स्कोप जो बिल्कुल लोकल लेवल पे है, दूसरा जो जनरल लेवल पे है, और तीसरा रीजनल लेवल पे है, या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मतलब थर्ड वाली जो है ना थ्री वेरिएबल वाली वो होगी रिसर्च वाली। इसके बाद देते हैं काइंड ऑफ आउटर, एक किस टाइप के रिजल्ट देती है। पहला है जैसे कि कॉमर्शियल वॉल्यूम टेबल है, इसे कौन यूज करते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्यों? इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो आप उसका डायमीटर और हाइट पुट करोगे तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम वो नहीं निकलेगा जब आप काट के 100 mm में आएगा वो निकलेगा, इससे एक्चुअल वो वॉल्यूम निकलेगा। अगर ये प्लाईवुड वाले के लिए है, किसके लिए? प्लाईवुड वाले के लिए, तो ये वो वॉल्यूम दिखाएगा कि प्लाईवुड वाला जब इसको इस डायमीटर और हाइट के प्लांट को काटेगा तो उसके लिए कितनी प्लाईवुड निकलेगी या कितनी प्लाईवुड बनेगी। फ्यूल वाले की अलग हो सकती है, सेम स्पीसीज का सेम डायमीटर हाइट के लिए ये अलग अलग वॉल्यूम शो कर सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की कॉमर्शियल इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल, और तीसरा है साउंड आउटर टेबल। मतलब जब किसी लकड़ी को टिम्बर से काटते हो, मशीन से काटते हो, तो मशीन से काटने के बाद वो कितना वॉल्यूम देगी वो है साउंड आउटर टेबल। और स्टैंडर्ड वॉल्यूम टेबल एक नॉर्मल वॉल्यूम टेबल होती है जो ये शो करता है कि ये डायमीटर हाइट है तो एवरेज इससे कितना आपको कॉमर्शियली टिम्बर निकलेगा। ठीक है, वो इंडस्ट्री से पहले यानी कि जो काटते हो जो सॉविंग मशीन है उससे पहले का वॉल्यूम निकालता है। यहाँ पर आप उनका क्वेश्चन देख लो, डिफाइन वॉल्यूम टेबल कर लोगे उसका क्लासिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। वॉल्यूम टेबल आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन काइंड ऑफ आउटर, तो आउटर मतलब वही कॉमर्शियल स्टैंडर्ड और साउंड आउटर। ठीक है, इसके बाद है आइटम इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन वॉल्यूम टेबल। अब वॉल्यूम टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सीधी मीन्स वॉल्यूम के अलावा और क्या इसमें इंफॉर्मेशन होती है? तो अगर आपकी सिंगल वेरिएबल वाली है तो डायमीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस एज ग्रुप के किस हाइट या डायमीटर है। दूसरा आपको हाइट की इंफॉर्मेशन मिलती है, तीसरा टैपरिंग की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बोला ना अलग अलग एज ग्रुप की होती है, मतलब चौथी उनकी एज ग्रुप की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये ट्री इस एज ग्रुप तक इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो आपको चार टाइप के मिल गए, डायमीटर, हाइट, टैपरिंग और एज ग्रुप। एक मुद्दा होता है टैरिफ टेबल, कभी कभी ये बवाल आएगा कि ये टैरिफ टेबल क्या होती है। तो अपने यहाँ क्या होता है? डीबीएच, लेकिन वेस्टर्न कंट्री डीबीएच न मेजर करके वो बनाती है गर्थ को मेजर करती है, तो इसे बोलते हैं जीबीएच, गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट। तो जो गर्थ वाला मुद्दा है तो उन वो जो टेबल बनाते हैं मुद्दा वही है कि वो भी वॉल्यूम देंगे, लेकिन वो उसे वॉल्यूम टेबल ना बोल के वो उसे टैरिफ टेबल बोलते हैं, क्योंकि वो टैरिफ यानी कि टैक्सेशन लगता है, तो जितना भी टिम्बर लगेगा उस पर टैक्स लगेगा, मतलब टैरिफ लगेगा। तो वो टैरिफ टेबल मतलब वो टेबल है जिसमें अगर इस स्टैम्प का गर्थ ये है, हाइट इतनी है, तो इस पर इतना टैक्स लगाना है, इसलिए उन्हें उसका टर्म दिया है टैरिफ टेबल। ओके, अब अपना मुद्दा आता है कि इस टाइप की वॉल्यूम टेबल को प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बनाते कैसे।
तो इसका जो सबसे फेमस मेथड है, सबसे आसान मेथड है, वो है ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है रिक्रिएशन इक्वेशन मेथड। ठीक है, देखो मैंने बोला सबसे आसान मेथड है ग्राफिकल मेथड, लेकिन ये आसान मतलब बोले कि जो घटिया है क्वेश्चन तो सबने घटिया लिखे, लेकिन कम घटिया किसने लिखा वैसा है। ये बकाया के मेथड से आसान है, लेकिन ये इतना टिपिकल तो है कि दिमाग का दही करता है। ये ग्राफिकल मेथड है क्या, इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पर दो तीन टर्म हो रहे हैं। ठीक है, पहला होता है कॉमर्शियल वॉल्यूम, ये एमसीक्यू वालों को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कॉमर्शियल वॉल्यूम क्या होगा, एक जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री वाला है वो किसी टिम्बर को किस पर्पज़ से देखेगा, वो छोटे छोटे पार्टों को ध्यान नहीं देगा, वो देखेगा जो वो पार्ट जिसको उसे काट करके किसी यूजफुल साइज में लॉक को कन्वर्ट किया जा सकता है। वो जनरली नीचे का जो स्टम्प हाइट है उसे छोड़ेगा और ऊपर का स्टम्प के उस पार्ट तक जाएगा जहाँ से वो बाइफर्केट हो रहा हो, यानी कि वहाँ से उसे स्ट्रेट टिम्बर या इस टाइप की हाइट बहुत कम मिलेगी, तो उस टॉपिक पॉइंट तक जाएगा और जो बीच का निकलेगा उसे बोलेंगे कॉमर्शियल वॉल्यूम, ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपसे कोई बोलेगा स्टैंडर्ड स्टैम्प टिम्बर, तो देखो ये तो कॉमर्शियल वॉल्यूम, तो कहने का मतलब किसी स्टैम्प को देख करके उसने उसके कॉमर्शियल पर्पज़ कितना है उसके हिसाब से है। तो कॉमर्शियल पर्पज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है। यूजुअली जब हम टिम्बर की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसकी जो ओवरबार कंडीशन में 20 सेंटीमीटर डायमीटर तक है, वहाँ तक कि हम उसे टिम्बर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो प्लाईवुड में ना सही तो फाइबर और पल्पवुड में कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही रहा है, तो इस टाइप से हमें उसे एक स्टैंडर्ड टिम्बर का क्या होना चाहिए, तो उसे हम 20 सेंटीमीटर ओवर बार कंडीशन तक, नीचे से लेकर 20 तक के कंडीशन तक को हम उसे एक टाइप से वैल्यूएबल टिम्बर मानते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैम्प टिम्बर। लेकिन 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल टिम्बर में या स्मॉल वुड में या स्टैंडर्ड स्टैम्प स्मॉल वुड में कंसीडर करते हैं। ये दोनों ही पॉइंट एमसीक्यू वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आईएफएस वालों के लिए नहीं। अब जो मुद्दा आया था अपना ग्राफिकल मेथड, ठीक रहे सर, यहाँ पर पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल एंड रिग्रेशन इक्वेशन मेथड। तो एक्चुअली ग्राफिकल मेथड से बनाते क्या, सबसे पहले तो आप ट्री की डायमीटर और हाइट मेजर करते हो और उनके बेस पे आप बीच में ऐसे डॉट लगाते हो, हर प्लांट के एक डॉट आएगा क्योंकि हर प्लांट का एक डायमीटर होगा एक हाइट होगी, उसके इस टाइप के डॉट बनेंगे। पहले जब आप पूरे जो भी आपने 250 या 300 ट्री के जिनका भी डाटा लिया उनका इस टाइप से डॉट लगा दिए, फिर ये देखते हो कि ऐसी लाइन खींचोगे जो ज़्यादातर मेजोरिटी डॉट को कवर करती हो। तो जैसे यहाँ पर एक डॉट बन गई, ये लाइन हो गई, ये एक लाइन खींच दी, इस लाइन के बेस पे फिर आप बनाते हो एक टेबल। ठीक है, एक टेबल बनेगी जिसमें आप ये करोगे कि ये हाइट है, ये डायमीटर है, तो इसका वॉल्यूम ये आया, ये डायमीटर ये हाइट है उसका वॉल्यूम ये आया, तो एक पूरी आप टेबल बना लोगे। अब टेबल के बाद मुद्दा अपने बवाल ख़त्म नहीं हुआ, इसमें तुमने 250 पेड़ ले रखे थे, ऐसे 250 पेड़ और ले रखे होंगे, फिर 250 पेड़ और ले रखे होंगे, क्योंकि जो टेबल बनती हैं ये केवल 200-250 पेड़ों पर नहीं बनती है, ये 1000-1500 पेड़ों को लेके चलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको जितना बड़ा आपका सैंपलिंग जितनी बड़ी होगी डाटा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी के चांस होते हैं। तो 1500-2000 प्लांट के लेते हैं, तो जैसे इसमें बोला 2500 ले लिया या 250 पेड़ का इसमें डाटा कर दिया, तो ऐसे 2-4 टेबल बनेंगी और फिर उनका एवरेज निकाल के फिर उनको एक ग्राफिकल में आ जाएंगे, इसी टाइप का ग्राफ फिर बनेगा और उस ग्राफ में वो सभी टेबल का डाटा पुट करके फिर फाइनल में एक टेबल और बनेगी, तब वो फाइनल जो टेबल होती है वो अपनी फाइनल वॉल्यूम टेबल होती है। तो इस टाइप से इसमें क्योंकि दो बार बीच में ग्राफ यूज किए जाते हैं इसलिए इसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। रही बात रिग्रेशन इक्वेशन की, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इस टाइप की रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट होता है प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यू, यहाँ पर ए बी सी इस टाइप के कॉन्स्टेंट होते हैं और यहाँ पर जैसे बी ए बी सी तो कॉन्स्टेंट होगा और एक्स क्यू या एक्स अगर ये डायमीटर पे बेस्ड है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू की जगह डायमीटर का जो मेजरमेंट आएगा आपका वो रखोगे। तो इस टाइप से एक अजीब सी इक्वेशन जो बनती है वो है रेगुलेशन इक्वेशन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर था कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, 10 मार्क का क्वेश्चन था, 5 पॉइंट दे दिए थे, यहाँ पर था बार्क थिकनेस।
अब देखो इसने क्या है, डीवीएच दिया था ओवरवार कंडीशन में और डीवीएच दिया था अंडरवार कंडीशन में। आपको एक वो फॉर्मूला बताया था जी जी डैश इक्वल टू जी माइनस टू पाई टी, ठीक है। तो आपने ओवर वार्क अंडर वार्क दे दिया, तो टी इसका बीच का जो डिफरेंस है 6 सेंटीमीटर का, वो क्या हो गया आपका टी, ठीक है। मतलब आप वार्क थिकनेस कितनी निकालोगे 6 सेंटीमीटर। लॉग वॉल्यूम निकालना है ओवर वार्क और लॉग वॉल्यूम निकालना है अंडर वार्क। तो देखो यहाँ पर इसने पहले तो कैसे कर लो, डी बी एच ओवर वार्क ले लिया, उससे लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, लॉग वॉल्यूम ओवर वार्क। और फिर अंडर वार्क वाले से मल्टीप्लाई करोगे लेंथ का तो निकल आएगा लॉग वॉल्यूम अंडर वार्क, ठीक है। और दोनों को निकाल करके आपका वार्क का भी वॉल्यूम निकल आएगा। वार्क परसेंटेज एक काम करो, टोटल वॉल्यूम में वार्क का वॉल्यूम देख लो, आपको वार्क का वो परसेंटेज मिल गया, काम हो गया। चलो अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट एंड बायोमास। देखो वॉल्यूम जो मेजर करते थे उसका पर्पज है कॉमर्शियल, लेकिन मीन्स कॉमर्शियल मीन्स जैसे कि अपन जो टिम्बर इंडस्ट्री है या प्लाईवुड इंडस्ट्री है ये लेते हैं वॉल्यूम से, लेकिन फ्यूल वुड है या पेपर पल्प इंडस्ट्री है इन्हें वॉल्यूम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये वेट से ज़्यादा काम करते हैं। फ्यूल वुड वाले को वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो वेट चाहिए, तो वहाँ पर हम वेट से मेजर करते हैं। वेट या बायोमास जो मेजरमेंट करना है तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि बायोमास होता क्या है। देखो हम बायोमास उसे मानते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो एक स्टेम या एक ट्री का जो रूट वाला पार्ट होता है या उसका जो ट्यूबरस पार्ट होता है उसे तो हम खोद करके निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल वायबल नहीं है, तो इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। तो उसके वो ऊपर वाला पार्ट जिसको हम कॉमर्शियली कट करते हैं और उसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम बायोमास मानते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपकी तुम्हारे जो वुड है, ब्रांचेज है, बार्क है, लीव है, ये सब पार्ट आ जाएगा, लेकिन रूट ट्यूबर जैसी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, ठीक है। अब मुद्दा वही है, बायोमास का मेजरमेंट कैसे करोगे, कुछ नहीं, एक प्लांट को पहले क्या करते हैं हम उसकी वही है डी बी एच वगैरह मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर स्मॉल टिम्बर में से आता है या छोटे छोटे वुड वाले प्लांट है तो उनको हम 50 सेंटीमीटर पर कॉलर डायमीटर ले लेते हैं। फिर आप उसे पीस पीस में काटोगे और फिर हर पीस का मतलब पहले जो अपना जो लॉग निकलेंगे उनके वेट ले लोगे, बाद में छोटी मोटी ट्विक्स निकलेंगे उनका वेट ले लोगे और लास्ट में आके लीफ वगैरह का भी मेजर कर लोगे। तो इस टाइप से तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस एज का प्लांट जिसका इस एज का मतलब 10 साल की एज का एक प्लांट लिया था उसका डायमीटर था सपोज 20 सेंटीमीटर। तो एक तो आइडिया ये मिला कि 10 साल की एज में ये स्पीसीज 20 सेंटीमीटर डायमीटर तक पहुँच जाती है और इस डायमीटर पर पहुंचने के बाद इसका जो टोटल बायोमास है वो इतना निकला। तो एक जो रिलेशन बनता है एक टाइप का हम ग्राफ बनाना आसान जाता है, वो ग्राफ क्या होगा, एज डायमीटर और वॉल्यूम या बायोमास का वेट, इस टाइप का ग्राफ बना लेते हैं। तो फिर होता क्या है कि हम ऐसे 15-20 पेड़ों को काट के हमने एक ग्राफ बना लिया, सॉलिडिफाई कर लिया उसे अच्छी तरह से, फिर इसके बाद हर पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर किसी भी पेड़ को पकड़ते हैं इसी साइज वाले या इसी एज वाले को और उसका डायमीटर निकाल के समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें इतना वॉल्यूम या वेट निकलेगा। एक मुद्दा आता है एज कैलकुलेशन, ट्री की एज भी निकालनी होती है। तो एज कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा तरीका है, मुद्दा क्या है कि पेड़ आपके पास दो है, खड़ा है या काट डाला। देखो अगर आपने काट डाला है तो उसमें कुछ नहीं होता, सीधी की सीधी हम उसकी एनुअल रिंग काउंट कर लेते हैं। एनुअल रिंग काउंट कर ली, आपको एनुअल रिंग पता पड़ गई सपोज, क्योंकि हर रिंग एक साल में बनती है। अगर 20 रिंग निकल आई मतलब इस पेड़ की एज कितनी, 20 ईयर। हाँ लेकिन इसमें थोड़ी समस्याएं जरूर है कि कुछ पेड़ जो होते हैं वो एनुअल रिंग साल बनाते नहीं हैं तो काउंट क्या करोगे, कुछ में फॉल्स रिंग बन जाती है तो वो उसकी जितनी एज नहीं होती उससे ज़्यादा बन जाती है, तो ये सब दिक्कतें हैं। बट एक एवरेज जो आइडिया चलना था वो यहाँ से अपना काम हो जाता है। अब मुद्दा है दूसरा, स्टैंडिंग ट्री, अगर कोई पेड़ खड़ा है उसको कैसे करें। तो देखो इसके 5-6 तरीके लिखने होते हैं और उनमें से अपने पास सफिशियंट है मैटर है। पहला तो ये होता है कि जैसे अपने कहीं प्लांटेशन की, गवर्नमेंट ने खुद ही प्लांटेशन की है तो वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है जिसमें फलाना ढिमका कहाँ से पेड़ ले आया, कब क्या किया गया, कितनी स्पेसिंग है, कौन करके आया, ये सब कुछ होता है। तो सीधा सा वो नोटिस बोर्ड देखो और उस पर आपको पता पड़ जाता है कि ये प्लांटेशन कब की गई, मतलब उसकी एज पता पड़ गई। दूसरा क्या होता है कि आप उसके पीरियोडिक 3 मेजरमेंट करते हैं,
मतलब किसी पेड़ का आज हमने मेजरमेंट किया, 2 साल बाद किया, और फिर अगले 2 साल बाद किया, तो 3 मेजरमेंट में हमें ये पता पड़ गया कि पहले वाले के बाद जब 2 साल बाद किया था तो कितना वॉल्यूम बना, और उसके अगले 2 साल बाद किया तो फिर कितना वॉल्यूम बना। तो इनकी हम एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब एज का और उसके वॉल्यूम का, यानी कि डायमीटर ही मेजर कर रहे थे एक्चुअली, सॉरी वॉल्यूम तो कर नहीं रहे थे, हम डायमीटर ही निकल रहे थे। तो हमने उसका डायमीटर और एज का जो ग्राफ बनाएंगे, हम सीधा उसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मतलब जैसे आज मेजर किया था पहली बार, तब उसका वॉल्यूम था 100, 2 साल बाद निकला 110, उसके अगले 2 साल बाद निकला था 120। तो इससे हमें ये क्या समझ में आया कि ये हर 2 साल में ये 10 यूनिट बढ़ रहा है। तो फिर पिछले 2 साल में मतलब जो अपना फर्स्ट मेजर किया था उससे पीछे की तरफ जाएंगे, तो मतलब हर साल 10 यूनिट बढ़ा, तो 100 यूनिट था, मतलब ये 10 साल पुराना था उस दिन जब हमने पहली बार मेजर किया। इस टाइप से हम अल्टरनेट करके निकाल लेते हैं। तीसरा होता है, कुछ प्लांट क्या होते हैं, वाले बनाते हैं, ब्रांचें होती हैं उनकी, पूरे पूरा एक गोलाई में ब्रांचिंग होती है, और हर साल उनकी ये ब्रांचें झड़ जाती हैं या पत्तियां होती हैं जो गिर जाती हैं। जैसे आपने ताड़ के पेड़ देखे हो या नारियल देखा हो, उनमें ये बिल्कुल बहुत ही सीधा सीधा फिनोमेना है। तो उसमें बहुत आसान जाता है कि सीधे उनके वाल काउंट कर लो, नीचे से जितने वाल होगा मतलब उसकी एज उतनी निकल आई। चौथा मैंने बोला डायमीटर एज का ग्राफ, डायमीटर देख लो, डायमीटर पता है तो आप समझ में आ जाता है कि ये डायमीटर का पेड़ एवरेज इस हाइट का होगा, ठीक है। और ये और एक जनरल अपीयरेंस, मतलब एक पेड़ देख करके आप ये तो बोलोगे ये 2 साल का तो नहीं है, 10 या 12 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, लेकिन 2 साल का तो नहीं है। तो एक जनरल अपीयरेंस से भी एक एवरेज आइडिया आ जाता है अपना। तो यहाँ पर अपना वो एज कैलकुलेशन भी ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है ट्री ग्रोथ।